तो दोस्तों, मैं और फोरमैन मंडी आ गए हैं। तो अभी एटीएम से फोरमैन पैसे निकाल रहा है, तो मुझे भी एक दो काम। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों, दो दिन से बहुत तेज बुखार हो रहा है, इसलिए थोड़ी आवाज़ में आपको पता चल रहा होगा, और खांसी और जुकाम भी बहुत हो रखा है। दवाई मैंने ले ली थी तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा। मम्मी ने तो बोला था कि दो दिन रेस्ट कर लो, पर यार रेस्ट कैसे कर सकते हैं। एक दिन का 400 रुपया दिहाड़ी चला जाता है, और मेरे सर के ऊपर अभी थोड़ा कर्ज भी बाकी है जो देना है, तो इसलिए रेस्ट तो नहीं कर सकते, काम पर तो आना पड़ेगा। उधर फोरमैन ने बोला है कि आप मेरे साथ चलना मंडी, वहाँ से अच्छी दवाई ले लें किसी अच्छे डॉक्टर से। तो यार मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि जो ऐसे इंसान बहुत कम मिलते हैं जो किसी दूसरे की हेल्प करते हैं, वरना आजकल तो यही चलता है, अपना काम बनता भाड़ में जाया जाता, यही सब चलता है। दोस्तों, फोरमैन मुझे हमेशा बोलता रहता है कि तेरे पास इतना दिमाग है, तू बहुत काम कर सकता है, तू और काम क्यों नहीं करता, यहाँ पे दिहाड़ी क्यों कर रहा है। तो दोस्तों, इसीलिए मैंने यूट्यूब चूज़ किया था, क्योंकि मुझे पता है कि यूट्यूब हमारी लाइफ को चेंज कर सकता है, और मुझे यूट्यूब पे काम करना पहले से ही पसंद था, इसीलिए मैंने 2018 में यूट्यूब पे काम करना स्टार्ट कर दिया था। उस टाइम मुझे पता नहीं था कि कैसे चैनल बनाना है, क्या क्या इसमें करना होता है, लेकिन मैंने फिर भी चैनल बना लिया था और ऐसे ऐसे वीडियो डालता रहता था। लेकिन दोस्तों, अभी तक मुझे आप लोगों की सपोर्ट नहीं मिली, कोई भी मेरा एक भी अभी तक दोस्तों मेरा एक भी वीडियो वायरल नहीं हुआ। बहुत से चैनल बनाए हैं, लेकिन किसी भी चैनल पर मुझे आप लोगों की सपोर्ट नहीं मिली। मैं भी वेट कर रहा हूँ दोस्तों, कब आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। इसमें दोस्तों कुछ नहीं जाता, बिल्कुल फ्री है सब कुछ, इसमें कोई पैसा खर्च नहीं होता। तो दोस्तों, मैं और फोरमैन मंडी आ गए हैं। तो अभी एटीएम से फोरमैन पैसे निकाल रहा है, तो मुझे भी एक दो काम थे, तो रास्ते में वीडियो इसलिए नहीं बना, ठंड बहुत थी और हाथ निकालने में यार पूरा ठंड लग रहा था, इसलिए अभी वीडियो बना रहे हैं। निकालो फोरमैन, कितने निकाल रहे? 25। दे